हैप्पी डे बच्चों, सैन अकेडमी पल्लीकरणई दसवीं कक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह संचयन भाग दो पाठ एक अरियर काका पाठ है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अरियर काका पाठ पढ़ने से पहले हमें कुछ एक बातों को जानना जरूरी है जो इस पाठ के माध्यम से हमें बता रहा है। घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, आपद विपद में, हरी बीमारी में, हर्ष उल्लास में एक दूसरे के काम आना सिखाता है, एक दूसरे की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करने की सीख और अवसर घर ही देता है। धर्मस्थल इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को, सहयोग की इस भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ और संस्कार देता है। ऐसे घर के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है वो है मिथिलेश्वर, और ओल्ड मैन जैसो दिखाई दे रहा है वह है अरियर काका। प्रस्तुत कहानी लेखक कथावाचक के गांव की कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हरियर काका है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से धर्म के नाम पर होने वाले अपराध, मनुष्यों में पनप रहे स्वार्थ और उनके लालची स्वभाव को उजागर किया है। लेखक हरियर काका का बहुत सम्मान करते हैं। हरियर काका उनके पड़ोसी हैं। एक पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरियर काका लेखक से करते थे। लेखक की पहली दोस्ती हरियर काका से हुई है। काका लेखक से कोई भी बात नहीं छिपाते थे, खूब बातें करते थे। लेकिन कुछ दिनों से काका ने लेखक से भी बात करना बंद कर दिया। वे परेशान, उदास और दुखी थे। हरियर काका की इस स्थिति का कारण जानने के लिए उनके गांव का परिचय देना बहुत आवश्यक है। गांव की कुल आबादी 3000 की होगी। गांव में तीन प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे बड़ा सा तालाब, मध्य स्थित बरकत का पेड़, पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। आगे आइए, इसके तीनों का गांव के प्रमुख रूप तीन स्थानों को देखा है। अब आगे आइए, ठाकुर बारी के बारे में जानना भी परम आवश्यक है। यहाँ ठाकुर बारी की स्थापना के संबंध में कहानियाँ प्रचलित है कि कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती गई। किसी के यहाँ बेटा हो, शादी हो, नौकरी मिले, कोई भी सुबह का शुभ काम हो, लोग ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाते थे। अच्छी फसल होने पर खेत का छोटा सा टुकड़ा ठाकुर जी के नाम पर भी लिख देते थे। इस तरह लोगों की इसी विश्वास के परिणाम स्वरूप अब यह गांव की सबसे बड़ी ठाकुर बारी है। इसके नाम पर 20 बीघे खेत है।
धार्मिक लोगों की एक समिति है। इसकी देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति की जाती है। हरियर काका का संयुक्त परिवार है। हरियर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे हैं। काका की अपनी कोई संतान नहीं। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। काका अपने परिवार के साथ रहते थे। काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। ये लोग खेती का काम करते हैं। इनका काम जो है खेती का काम ही प्रमुख काम है। काका के तीनों भाई खेती करते थे। काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय समय पर खाना दें। कुछ दिनों तक सबने सेवा की, लेकिन फिर वे अपने पतियों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती और काका को बचा कुचा खाना दे देती। अगर कभी काका बीमार पड़ जाए तो इतने बड़े परिवार में उनकी खैरियत या सेवा करने वाले कोई नहीं था। और किसी तरह पुजारी और महंत को काका की स्थिति का पता चल गया। महंत उन्हें एकांत में प्यार से समझाने लगा कि पति पत्नी बेटे भाई बंधु सब स्वार्थी है। तुम्हारे हिस्से में जब तक 15 बीघे खेत है तब तक वे तुम्हारे साथ है। जिस दिन उन्हें पता चला कि तुम अपना हिस्सा उन्हें नहीं दोगे, उस दिन वे तुमसे सारे संबंध तोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिखा दो और अपना ध्यान ईश्वर में लगाओ। ऐसा करने से तुम स्वर्ग जाओगे और मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। ऐसा ठाकुर बारी जो है हरियर काका को समझाने लगे। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए महंत ने हरियर काका के रहने और खाने पीने की व्यवस्था ठाकुर बारी में ही कर दी। महंत ने उनकी सेवा के लिए 2 सेवकों का भी इंतजाम कर दिया। इधर शाम को जब काका के भाई घर लौटे तब उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने पत्नियों को खूब बुरा भला कहा और काका को वापस लाने ठाकुर बारी चल दिए। भाइयों ने काका से माफी मांगी और समझाया समझा बुझा कर घर वापस ले आए। घर पहुंचते ही भाइयों की पत्नियों ने काका से माफी मांगी। उस दिन से वे सब काका की सेवा में लग गई हैं। काका जो भी मांगते थे वे चीज उनके सामने हमेशा के लिए हाजिर हो जाती थी। इस प्रकार से चल रहा था। गांव वाले भी हरियर काका की घटना से अनभिज्ञ नहीं थे। सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। जितनी मुंह थी उतनी बातें। गांव के लोग 2 वर्गों में बट चुके थे। एक वर्ग के लोग चाहते थे काका अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिखा दे, तो दूसरा वर्ग जिसमें हरियर काका जैसे आदमी और औरत पल रहे थे इसके खिलाफ था। इधर हरियर काका के भाई भी उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन उनके नाम लिख दे। इस विषय पर काका ने मुझसे अकेले में बहुत देर तक बात की। आखिर में हमने निर्णय लिया कि जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे।
चाहे वह अपना भाई हो या महंत, क्योंकि गांव में अनेक लोग ऐसे थे जिन्होंने जीते जी अपने जायदाद अपने बेटे या भाई के नाम लिख दी। अब उनकी हालत कुत्ते जैसी हो गई थी। हनपड़ होते हुए भी काका ने परिस्थितियों को समझते हुए यह निर्णय लिया, वे जीते जी अपने जमीन किसी के नाम पर नहीं करेंगे। अपने भाइयों को भी समझा दिया कि मेरे मरने के बाद अपने आप जमीन तुम्हारी हो जाएगी, लिखवाने की क्या जरूरत है। महंत ने काका की जमीन हथियाने के लिए ठाकुर बारी के लोगों के साथ मिलकर काका के घर हमला कर उनका अपहरण कर लिया। एक ओर से महंत कुछ सादे और लिखे हुए थे, कागजों पर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर काका के भाई उन्हें ढूंढते हुए पुलिस जीप के साथ सुबह ठाकुर बारी पहुंच गए। इस प्रकार पुलिस ने ठाकुर बारी को चारों तरफ से घेर लिया और तलाशी लेने लगे। बहुत देर तक खोजबीन करने के बाद उन्हें एक बंद कमरे में काका बहुत बुरी दशा में मिले। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा बांध दिया गया था। काका ने पुलिस को महंत और ठाकुर बारी के लोगों की सारी सच्चाई बताई कि कैसे उन लोगों ने जबरन कागजों पर उनके अंगूठे निशान लिए आदि सब कुछ उन्होंने साफ साफ पुलिस वालों को बता दी। काका फिर अपने भाइयों के साथ रहने लगे। इस घटना के बाद काका के भाइयों ने भी उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि जमीन उनके नाम कर दी जाए। काका के मना करने पर भी भाइयों ने भी महंत का रूप धारण कर लिया। उन्होंने हथियार लिए और काका को धमकाया कि कागजों पर अंगूठे के निशान लगा दें, अन्यथा वे उन्हें मार डालेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब काका डरने वाले नहीं थे। उन्होंने सोच लिया कि भाई उन्हें मार दे तो ये ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन जीते जी किसी को नहीं लिखेंगे। ये उनका पक्का निर्णय था। बहुत धमकाने पर भी जब काका नहीं माने तो भाइयों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। काका अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। भाइयों ने फौरन उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, लेकिन तब तक पड़ोस और गांव के लोग उनकी आवाज सुन चुके थे। महंत तुरंत पुलिस के साथ उनके घर आ गए। पुलिस के आते ही भाई और भतीजे भाग खड़े हुए। पुलिस ने काका को बहुत बुरी दशा में पाया। अगर पुलिस न पहुंचती तो शायद वे काका को जान से मार डालते थे। इस प्रकार से इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा में राइफलधारी पुलिस चार जवान तैनात कर दिए गए थे। हरियर काका अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन काट रहे थे। उन्होंने एक नौकर रख लिया, वही उन्हें बनाता है, खाना बनाता है और खिलाता है। काका ने मौन धारण कर लिया। गांव में अब भी उनके बारे में ही चर्चाएं हमेशा अक्सर होती रहती थी। तो इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि समाज में जितने भी रिश्ते हैं वे स्वार्थ पर आधारित हैं। महंत ने हरियर काका की हाव भगत इसलिए की क्योंकि वह उनकी जमीन हड़पना चाहता था। हरियर काका के भाइयों ने भी उनको उनकी दोबारा इज्जत करने शुरू कर दी थी, क्योंकि वे 15 बीघे जमीन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। गांव में ऐसे कई प्रकरण पहले भी हो चुके थे। धन दौलत के आगे खून के रिश्ते भी फीके पड़ने लग जाते हैं। यह कहानी की यही उक्ति
सिद्ध करती है बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। इस पाठ से हमें ये बताता है धन दौलत ही से सभी लोग अपना सम्मान करते हैं, धन दौलत के बिना कोई हमारा सम्मान नहीं करते हैं। तो इस पाठ से हमें ये सिद्ध होता है कि धन दौलत से ही अर्थ से ही हमारे को समाज में जो सम्मान मिलता है, तो बाकी सभी रिश्ते जो है झूठे हैं, स्वार्थ हैं। इस बात को बताने के लिए ये पाठ लिखा गया है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।